जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कम्युनिकेशन नेटवर्क में जो दूसरी इसकी टाइप है इनफॉर्मल नेटवर्क की, उसकी बस बात करने वाले हैं। छोटी सी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसकी फॉर्मल की बात की थी लास्ट वीडियो में, लेक्चर नंबर 12 में। तो इसमें है तो बहुत कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स भी हैं, अहम हैं, लेकिन चूँकि वो वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो सिर्फ 10 मिनट्स की होती है, और मेरी भी ये कोशिश होती है कि मैं छोटी वीडियो बनाऊं ताकि आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना पड़े, क्योंकि बच्चे अमूमन लंबी वीडियो समझ कर छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। इसलिए कोशिश यही कर रहा हूँ कि ज़्यादा लंबी वीडियो ना बनाई जाए। तो इसमें चीज़ें तो हैं समझने वाली फॉर्मल में, लेकिन आपको अहम अहम अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बताने की कोशिश की। आई होप कि आपको फॉर्मल नेटवर्क की समझ आई होगी। अब हम मूव कर रहे हैं जी इनफॉर्मल नेटवर्क के ऊपर। इनफॉर्मल में क्या था कि जी हमने पीछे एक शब्द पढ़ा था, आपको याद हो, ग्रेपवाइन नेटवर्क हमें पढ़ा था। इसमें क्या है कि विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल नेटवर्क्स आर नॉट द ओनली कम्युनिकेशन सिस्टम, देयर इज आल्सो इनफॉर्मल सिस्टम विच आर नोन एज ग्रेपवाइन। ठीक है, ये जो उसकी एक सिंपली डेफिनेशन होगी। इन इनफॉर्मल नेटवर्क्स इंफॉर्मेशन डज नॉट फ्लो इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, डज नॉट मेक यूज ऑफ ऑफिशियल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, एंड कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन कोवर्कर टू अनदर आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन वेयर द कोलीग्स मीट सोशली। अच्छा, अभी जो यहाँ पे इन्होंने बात लिखी है उसको समझते हैं। ये कह रहा है कि ये इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, और कोई ऑफिशियल चैनल इसको कंट्रोल नहीं करता, और कोई भी कोवर्कर इसको कर सकता है, बात फैला सकता है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, इनसाइड द एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी वो बातें कर सकता है जहाँ पे ये लोग आपस में सोशली मीट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रेपवाइन एंड ऑल चैनल नेटवर्क। ऑल चैनल नेटवर्क में भी क्या करता थे कि सारे जो थे आपस में इक्वली बात कर सकते थे, मेम्बर्स आर इक्वल एंड वील्ड एग्जैक्टली द सेम अमाउंट ऑफ पावर टू इन्फ्लुएंस अदर, हर एक इक्वल पावर थी, एक्सेप्ट डैट दिस पैटर्न परमिट्स ऑल ग्रुप मेम्बर्स टू कम्युनिकेट एक्टिवली विद ईच अदर। यहाँ पे क्या था कि सारे भी एक दूसरे से बात कर सकते थे स्टार पैटर्न, जैसे एक स्टार की शेप होती है, स्टार की शेप्स होती है ना, जिसमें हर साइड हर कोना उसमें हर एक दूसरे से मिल रहा होता है, यानी कि हर एक दूसरे हर किसी से कोई बात कर सकता है, छोटा बड़े से, बड़ा छोटे से। तो फिर ग्रेपवाइन उसमें डिफरेंस क्या होगा? ऑल चैनल में क्या होता है कि ये कम्युनिकेशन जो होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहेगी, फॉर्मल तरीके से होगी, और इसको एक चैनल बाकायदा आप इसको मतलब कंट्रोल कर रहे होगे, इसमें सिर्फ इसमें कंट्रोल होगी, इसमें कोई एक पावर होगी, एक कहना कि इस जो भी कम्युनिकेट की जाएगी वो एक लिमिटेड होगी, कंट्रोल की जाएगी, वो ये नहीं कि खुलम खुला जो भी बात जिससे मर्जी कर दी जाए, नहीं, कंट्रोल होगी। लेकिन ग्रेपवाइन में क्या है, बस वो कंट्रोल नहीं होगी, डायरेक्शन उसकी भी सेम है, लेकिन इसमें कंट्रोल नहीं होगी, क्योंकि ऑफिशियल चैनल जो है ना, ऑफिशियल चैनल यानी कि अगर आप फर्ज करें कम्युनिकेट कर रहे हैं तो एक ऑफिशियल चैनल उसको वॉच नहीं करेगा। ग्रेपवाइन में आप जिस जब चाहें जिससे मर्जी बात कर दें, कोई बात लीक कर दें, वो कोई पता लीक कर दें तो कोई ये भी बता सकेगा, हो सकता है कोई बातें लीक करने वाली ना हो, लेकिन ग्रेपवाइन में वो बात लीक हो सकती है। तो ये इसमें है कि अगर ऑफिशियल चैनल इसको करता हुआ वॉच करेगा तो फिर तो बातें जो होंगी वो लीक नहीं होंगी, क्योंकि उसको वो देख रहे हैं कि भाई कौन क्या बात कर रहा है, अगर कोई करेगा तो पता लग जाएगा। लेकिन ग्रेपवाइन में कोई ऑफिशियल चैनल इसको वॉच नहीं कर रहा, कोई जिससे मर्जी बात करी जा रहे हैं, वो आउटसाइड भी बात करेंगे, हो सकता है कोई ऐसी बात कर दें आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी के नुकसान भी हो, इसमें ये है। और इसमें क्या होता है, ग्रेपवाइन मैसेज डू नॉट फॉलो फॉर्मल लाइंस ऑफ हायरार्की, कोई फॉर्मल लाइंस नहीं होती, एंड आर नॉट कंट्रोल बाय द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं करती, इट इज़ परसीव्ड बाय द मोस्ट ऑफ एम्प्लॉयज एज बीइंग मोर क्रेडिबल एंड रिलायबल देन मैसेजेस सेंड थ्रू फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल टू बाय टॉप मैनेजमेंट। ये क्या कह रहे हैं कि इस कम्युनिकेशन के नेटवर्क के जरिए बात करने को जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं, कि बजाय कि एक स्ट्रिक्ट हायरार्की को फॉलो किया जाए तो उसके अंदर ही बात करते हैं, नहीं, मैनेजर जो एम्प्लॉयज़ होती हैं वो इसको ज़्यादा फील कंफर्टेबल करते हैं कि हम ग्रेपवाइन के जरिए बात करें, जब मर्जी जिससे चाहें जैसे मर्जी चाहें, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि मैं फ्री रहूँ, आज़ाद चाहूँ, इंसान की जिबल नहीं है उसके अंदर नेचर में कि वो उसके ऊपर हुक्म चलाया जाए, तो उसकी वो उसको एक्सेप्ट नहीं पसंद नहीं करता। एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन मेक बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ ग्रेपवाइन नेटवर्क फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पज भी। अच्छा, ये क्या बात है कि एक एफिशिएंट जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो ग्रेपवाइन को यूज़ करती हैं, उसको प्रमोट करती हैं कंस्ट्रक्टिव पर्पज़ के लिए, ये कैसे हो सकता है? इसमें मेरे सर ने जब हमने ये पढ़ा था उन्होंने ये एग्जांपल दी थी कि आप जैसे कंपनी को ना थोड़े क्राइसिस में चल रही है, और कंपनी को अंदाज़ा है कि वो इस दफ़ा ना सैलरीज जो है ना एम्प्लॉयज़ को पूरी नहीं दे सकेगी, मतलब जितने जितने सबकी एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी पूरी नहीं दे सकेगी, तो वो ना एक बात लीक आउट कर देती है
कि जी इस लीक आउट कर देती है किसी के ज़रिए, या किसी एम्प्लॉय एक एम्प्लॉय को बता दे कि जी इस दफ़ा ना थोड़ी कंपनी क्राइसिस में है, तो मुश्किल ये है कि सारे एम्प्लॉयज़ को ना सैलरी 100% मिले, 50% मिलेगी या 40% मिलेगी। अब इससे क्या होगा, तो वो बाद में सारे एम्प्लॉयज़ में आपस में फैल जाएगी कि भाई कंपनी में तो इस साल चल रहा है, कंपनी में इस साल चल रहा है। अभी कंपनी ने किसी को कुछ नहीं बताया, एम्प्लॉयज़ आपस में गेस कर रहे हैं और आपस में सिचुएशन को देखते हुए ना आपस में अंदाज़ा लगा रहे हैं, ठीक है। कंपनी को भी पता है एम्प्लॉयज़ के दरमियान ये चल रहा है, ठीक है, क्योंकि कंपनी ने ही उसको बात को फैलाया था किसी किसी वो ऑफिस बॉय के ज़रिए, या किसी जो चाय लेके आता है, या किसी गार्ड के ज़रिए कि लोगों को बता दो कि भाई इस दफ़ा कंपनी थोड़ी क्राइसिस में चल रही है। तो क्या होगा, ये सारी बात तो लोगों के अंदर फैल जाएगी, ऑफिस एम्प्लॉयज़ के अंदर फैल जाएगी, उनके दिमाग में ये बैठ जाएगा यार कंपनी तो इस दफ़ा क्राइसिस में चल रही है, इस दफ़ा हमें पूरी सैलरी नहीं मिली। एट द एंड ऑफ मंथ जब सैलरीज का टाइम होगा और कंपनी जब उनको सैलरीज पूरी देने की बजाय 50% देगी, तो वो उनको ऑलरेडी उसको समझ आ गया होगा, वो उसको ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ भाई ठीक है, हमें भी नज़र आ रहा था कंपनी क्राइसिस में चल रही थी, इस वजह से पूरी सैलरी नहीं दी। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि अगर ये लोग इनके दरमियान पहले ये खबर लीक ना करते और पहले से ही डायरेक्ट उनको एट द टाइम ऑफ एंड ऑफ द मंथ उनको बता दे कि भाई ये मसला है, वो तो एम्प्लॉयज़ एकदम शोर करते, इहतजाज करते, कोई हो सकता है मुलाजमीन जो बड़े उनके लिए इंपॉर्टेंट थे छोड़ जाते कि भाई हाँ आपने हमारे साथ क्या किया, हम दो बिल्स देने हैं, बच्चों की फ़ीस देनी है। इससे क्या हुआ, लोगों को एक पता लग गया और पहले से मेंटली तौर पर वो तैयार हो गए, वो कोई उन्होंने हंगामा नहीं किया कंपनी के खिलाफ, कोई शोर नहीं मचाया, इसका ये फ़ायदा है। तो क्या हुआ कि एक कंपनी ने इसको ख़ुद यूज़ किया एफिशिएंटली फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस, ये एक इसकी मतलब है। हाउ एवर ऑफन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन द सोर्स ऑफ द रिजनल मैसेज, हाँ ये बात इसमें है, ये पता लगाना मुश्किल है कि कोई बात अगर लीक होगी, फर्ज करो वो बात ही गलत थी, तो पता नहीं लगता कि बात शुरू कहाँ से हुई थी, मतलब पता नहीं लगता ये बंदा सबसे पहला बंदा कौन था जिसने बात शुरू की थी। विच क्रिएट्स अ लिमिटेशन एंड मेक्स इट डिफिकल्ट टू असर्टेन द ऑथेंटिसिटी ऑफ ग्रेवन, है अब पता नहीं लगेगा कि भाई किसने बात की थी, कोई किसी पर इल्ज़ाम लगाएगा, कोई किसी पर इल्ज़ाम है, वो कहेगा मैंने तो ये बात उससे सुनी थी। तो ये इसमें क्योंकि र्यूमर्स होती हैं ज़्यादातर, तो इट मे बी ऑल्सो एम टू सर्विंग द सेल्फ इंटरेस्ट ऑन विजुअल एंड ग्रुप्स टू स्प्रेड यूमर्स, देखें कोई किसी का ये मसला हो सकता है कि भाई वो कोई किसी की ना जानबूझकर किसी एम्प्लॉय की कोई खामियां ना बॉस को बताए और बॉस को बताए ताकि वो एम्प्लॉय जो हो ना एम्प्लॉय के बैड इंप्रेशन पड़े और मेरा जो है ना कंपनी में इंप्रेशन अच्छा पड़ जाए। तो इसको क्या किया जा सकता है, लोग ना सेल्फ इंटरेस्ट के तौर पर अपने ज़ाती मफाद के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं किसी को डिग्रेड करने के लिए या र्यूमर किसी के खिलाफ फैलाने के लिए, तो इससे कोई ड्रॉबैक है। तो ये एक छोटा सा है था डिटेल थी इसके बारे में, ये इनकी पिक्चर्स हैं आपको समझ आ सकते। चेन नेटवर्क में क्या है, एक हायरार्की है, इसको इस तरह बना लें या ऊपर टॉप टू बॉटम बना लें, और ये दो इसमें है सोर्सेज हैं जहाँ से मैसेज आता है। व्हील के अंदर ये सेंटर पर्सन इंपॉर्टेंट पर्सन है और ये सारों को एट ए टाइम सेम टाइम पे इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। और सर्कल में क्या था कि हर कोई लीडर है, ये अपने इससे बात कर सकता है या इससे बात कर सकता है, लेकिन फिर ये वाला जो है ना वो इससे बात नहीं कर सकता, ये थोड़ा सा है। लेकिन ऑल चैनल में क्या है, उनकी पोजीशन सेम है, सारे एक दूसरे से जब चाहे जैसे मर्जी बात कर सकते हैं, आप इसकी पोजीशन देख सकते हैं। और फिर ग्रेपवाइन में क्या है कि कोई कंट्रोल नहीं है, जो जिस बात जिससे मर्जी कर रहा है लेकिन कंट्रोल नहीं है, तो इसके अंदर कोई पता नहीं कोई बात किसने की थी, इसलिए थोड़ा कंट्रोल होगा लेकिन ग्रेपवाइन कंट्रोल नहीं होगा। बाकी आप इंशाल्लाह खुद भी रीड करेंगे तो आपको काफ़ी ये समझ आ जाएंगी। आपको कोई चीज़ ना समझ आए तो काइंडली आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एनी टाइम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। इसके साथ ही आपका पहला चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह कम्प्लीट हुआ है, आई होप कि आपको समझ आया होगा, आपने कुछ कॉन्सेप्ट्स या कोई रिवाइज हुए होंगे एटलीस्ट। तो थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।